शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ, जुआ सट्टा, अवैध हथियार, अवैध खनन परिवहन, अवैध शराब की धरपकड़ के लिए अभियान चलाया जा रहा है। अवैध गतिविधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं। उक्त निर्देशों के पालन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रवीण भूरिया और SDOP करेरा संजय चतुर्वेदी के कुशल मार्गदर्शन में रात्रि भ्रमण के दौरान थाना करेरा पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि एक व्यक्ति दो प्लास्टिक की कैनों में कच्ची शराब भरकर कहीं ले जाने के लिए अपने घर के सामने रखकर वाहन का इंतजार कर रहा है। आरोपी कब्जे से दो प्लास्टिक की कैनें, जिसमें करीब 60 लीटर हार्ड भट्टी की कच्ची शराब, कुल मशरू का 15,000 रुपये को विधि व जब्त किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। सर, आज ये शराब पकड़ी है, क्या कहाँ से पकड़ी, क्या कुछ पूरा? कल रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि हरबंद यादव के पास एक काली पाड़ी का अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब रखे हुए इतना लोगों को बिक्री कर रहा है। वो सूचना पर समझती है तो आरोपी अर्जुन के कब्जे से दो कैनों में 33 लीटर कुल 60 कच्चे देसी आप टोटल कितने आरोपी पकड़े यहाँ सर? एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।